हमारे अमृतसर शहर में ताइक्वांडो का जो चैंपियनशिप है वो इंटरनेशनल लेवल की है और हमारे इंडिया की भी काफ़ी स्टेटों की टीमें आज पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं पूछ रहा था प्रेसिडेंट साहब से 19 के करीब हमारी स्टेटें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसी चैंपियनशिप में। सो मैं इनका वेलकम भी करता हूं, उनको मुबारकबाद भी देता हूं और आज जरूरत है इन गेमों की। मैं देख रहा था बच्चों का कॉन्फिडेंस है, बच्चे जो है छोटे बच्चे जो सेल्फ डिफेंस के लिए, मैं समझता हूँ एक गेम पहले तो जबती गेम थी ये उधरी खेली जाती थी, लेकिन आप इंडिया में ये गेम बहुत खेली जाती है और ऐसी गेमों की ज़रूरत भी है, बच्चे जो अपना सेल्फ डिफेंस जो आप कर सकते हैं। सो मैं देखता हूँ पहले भी इन्होंने अमृतसर में किया ये जो चैम्पियनशिप थी, उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने अमृतसर में किया और मेरे को ये थोड़ी मुश्किल भी बता रहे थे कि ये हाल है काफ़ी कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट कर नहीं सकी, इसलिए कि इस हाल की कंडीशन जो है ठीक नहीं है और ये ठीक कराया जाए ताकि और भी जो कंट्रीज है इधर पार्टिसिपेट कर सके। और मैंने इनको भरोसा दिया है कि अगले साल जब आप इधर आओगे मैं अपनी तरफ से इधर से जितना भी खर्च हो 5 लाख हो 10 लाख हो मैं अपने फंड से करूँगा और ये हाल बिल्कुल ठीक होगा। आप अगली दफ़ा भी हमारे शहर में चैम्पियनशिप जाओ, मैं इनको इस बात का यकीन भी दिलाया है और मैं इनका थैंक्स भी करता हूँ जो हमारे शहर में आते हैं और हर साल ये चैम्पियनशिप लेकर आते हैं। सो मैं इनका बहुत बहुत थैंक्स भी करता हूँ। आंसर की नाम मैं अभिलाष कुमार, प्रेसिडेंट पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन। सामने बैठे और ठीक है जाएगा ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप सेकंड ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप करवाई जा रही है जिदे विच कि ग्रीस ते नेपाल दी टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो साडे इस हाल की कंडीशन करके साडे कई कंट्रिया ने बाइकट किया है। तो हुणे एजुकेशन मिनिस्टर श्री ओपी सोनी जी आए हैं तो उन्होंने यह दसया गया तो उन्होंने प्रोमिस किया कि नैक्सट टाइम जो भी थोड़ा बजट में जो भी खर्चा होगा असं करा तो हाल में ठीक करा देवे तो खिडारियों वास्ते कुछ ना कुछ आप करा। तुहानू नहीं लगता सरकार नाकामयाब रही इस सारे सिस्टम को लैके जाके? बिल्कुल बिल्कुल, हालात बहुत ज़्यादा माड़े इस चीज़ के। बिल्कुल बिल्कुल जी, ताड़ी इस करके जो इंटरनेशनल टीम आईया ही नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, यह तो साफ स्पष्ट गल हैगी है कि खिडारियों वास्ते पंजाब दे विच कोई सहूलत नहीं हैगी है। यह गल चाहे सरकार सुनती हो चाहे कोई भी सुनता हो चुभेगी, लेकिन मैं साफ स्पष्ट कहना वा कि खिडारियों वास्ते पंजाब दे विच कोई सहूलत नहीं हैगी है कि साडे खिडारी बाहर दे स्टेट दे विच जाके खेडते हैं, पंजाब दे खिडारी बाहर दे स्टेटों खेडते हैं तो उन्होंने बाहर बहुत सहूलत मिलती है। हरियाणा खेडते, राजस्थान खेलते, महाराष्ट्र खेडते जाके, तो पंजाब गवर्नमेंट नूं चाहिए कि खिडारियों वास्ते वध तो वध सहूलत मुहैया कराण कि ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ 1,30,000 ਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੇ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੈਠਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਇੰਨਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ? ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 340 ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ।